यार पिछली बार से यहाँ पे बहुत सारी भीड़ कम है, बहुत भीड़ कम। यहाँ पे आकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? आपके साथ आया तो अच्छा ही लगेगा यार। सूरज भगवान तो डूब चुके हैं, ये लोग जितनी भी महिलाएं हैं पता नहीं कितना रख दिए हैं। इतनी गहराई से तुम मांग क्या रहे हो? ढेर भी से हम घर की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो घर की सफाई हो ही जाएगा। देखिएगा तनी जगह है कि नहीं, क्या अभी तक सोए हैं? पूरा महाराज घोड़ा बेच के सोए हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी सोना ही नहीं है। बड़ा तनी हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूं यहां सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों कल है छठ और छठ के एक दिन पहले हम लोग आए हैं दूसरे यहां के घर पे, जो कि इस घर में भाई सारे लोग मैंने अपने अपने गांव चले गए हैं, जिनका घर था वो भी गांव चले गए हैं। तो इस घर में हम लोग दो जन हैं, हम और ये दोस्तों। ये वाला जो घर है भाई एकदम से नेक्स्ट लेवल वाला, एकदम से आप लोग समझ सकते हो भाई, एकदम से लाइटनिंग यहाँ का बहुत तगड़ा वाला है कि नहीं? डाका डालेंगे आज, इसमें डाका डाला जाएगा। सारा रूम तो वैसे लॉक है, हम लोगों के पास एक ये बेड है और टीवी है और बाथरूम, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इसके पास सारा लॉक है। तो चलिए दोस्तों बाकी का वीडियो आप लोग एंजॉय करिए। सभी जानवर जग गए हैं, लेकिन ये ऐसे प्राणी हैं कि अभी तक सोए हैं, समझे नहीं आता है इनको क्या करना है। ए, आपको कोई बहरी बुला रहा है? अगर हम घर की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो घर की सफाई हो ही जाएगा। देखिएगा तनी जगह है कि नहीं, क्या अभी तक सोए हैं? पूरा महाराज घोड़ा बेच के सोए हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी सोना ही नहीं है इनको। काम वाम तो करना नहीं है, सुबह से सोए हैं, उठना नहीं है। ऐसे कौन जगाता है यार सोए हुए इंसान को, जगा दी पागल इंसान। कब से आपको उठा रहे हैं, समझ नहीं आता है क्या? एक दो भूखे प्यासे हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे बहरी बुला रहे हैं तो उसे ना ये नहीं दे रहा है। बढ़ता है हाँ। जल्दी से फ्रेश हो जाइए और ये सामान लेकर के आना है बाजार से, ठीक है, इसमें सारा चीज लिखे हुए हैं। अरे यार कल ना छठे, हम सामान ला देंगे ना आज तुम्हारा। ए भगवान, छठ कल नहीं है भाई, आज आज है। कैसे बोतल आदमी है जी आप, आपको समझ नहीं आता है। ये क्या लिखी हो यार तुम? सुपली सिवान से, दौरा महाराजगंज से, शरीफा गोरिया कोठी से, हैं गागल नौतन से, पानी फल बसंतपुर से, आदि बढ़िया से, ये सब क्या है? ये सिवान से ही तो ला देंगे हम। जहाँ जहाँ से सामान लिखे है ना वहीं से सामान लेकर के आइएगा, दूसरे जगह से नहीं, वहाँ का सामान बहुत अच्छा होता है, समझ रहे ना। पंखा चला देंगे जल्दी सूख जाएगा पंखा। कहाँ से पंखा चलेगा है, पंखा का तो बवासीर बना कर रखे है, एगो कंडीशनर नहीं लगता है उसमें, बतिया रहे हैं, पंखा चला दे जल्दी सूख जाएगा, लीजिए। अरे तुम्हारा सामान हम वो टेबल के नीचे रख दिए हैं, ले लेना अपना सामान। अरे दरवाजा तो बंद करो यार, बदबू आ रही है एकदम से, कौन खोल कर गया ये वाला? बाल कटाने आए थे तो आयुषी को भी ले लिए। 3 बजे के करीब से सारे लोग छठ घाट पे जाएंगे, अभी रास्ते पूरा खाली खाली सा है। इनका वाला खाली नीचे का ये काट दीजिएगा बस, ऐसे गुदगुदी लग रही है अंदर इनको में तो बस 5 मिनट लगे। मेरे में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर दीजिएगा और इसको हल्का हल्का मिला लीजिए बस। MD का फोन आ रहा है, मारा है। अभी तो 3 बजे है ना, मुझसे काटते काटते यार वो 2 जगह मैंने काट दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। भाई मैंने इसके लिए 10 रुपये काटे, उनका 100 रुपये मांग रहे थे, 90 रुपये देकर के आ रहे। आज इंडिया का मैच है वैसे, आज लगता है भाई इंडिया जीत जाएगा एकदम से, जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस चल रहा है उन लोगों का। मेरी दुकान भी वैसे बंद हो गई, सामान लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। खोलिए जी, खोलिए खोलिए। तो भाई मम्मी भी इधर से रेडी हो रही हैं। यार बाल कटाई कितने रुपए लेते हैं यार? बहुत ज्यादा। मैं ये देख, 2 जगह मेरे काट दिए, क्या पे क्या पे, इधर साइड में। अरे यार गमछी किधर रखी है, आना है मेरे को। मम्मी गमछी, आत्मा देवी मेरे बेल्ट किधर रखी है, सारा बेल्ट इधर उधर हो गया है। ये रखने वाली जगह होती है, ये क्या लग गया यार? माँ बाल में तेल लगा ले क्या? ये कैसे कपड़ा पहने थे इसको, इन करो। चलो भाई मम्मी भी रेडी हो गई इधर से। अरे अमन वो कपड़े बोरा ले लेना, वहाँ पे बैठने की दिक्कत होती है थोड़ा। खा गए चॉकलेट? देखो चॉकलेट वाले लेकर आए, आ गए आ गए, बस लगा कर आ गए। तुम्हें भी लगा दो, चलो ला ला। वैसे नमस्कार करके उठाना पड़ता है इसको। आज हम ऐसे ही चलेंगे भाई, खाली पैर चुभेगा तो नहीं यार। जय छठी भैया की जय। पैंट के मोरी निकालो जल्दी से, गधा जैसा लग रहा। तुमको बोले ना हम उसको इन करने के लिए कपड़ा, काहे नहीं किए? तो अभी आयुष जी के लिए वेट कर रहे हैं, अभी वो नहा करके रेडी होकर के आएंगे थोड़ा देर में, इसलिए पापा को पहले भेज दिए। तब पंकज भैया इस साल तो आपके आपके साथ पहले बार जा रहे हैं, किधर जाना है वैसे? छठ घाट जाना है भाई। किधर में मतलब किधर? अरे यहाँ तुम्हारे ठीक पीछे यहीं पे वहाँ, हाँ घाट है वहीं पे जाना है। घर है? अरे वो इधर इस रोड के पास। भैया बोमो रख लीजिए, पैकेट में रख लो ये। यार कोई कहेगा कि क्यों ऊँचे हैं भाई। आयुष जी भी इधर आ गए, अमन और इधर से प्रिंस, और हम लोग जा रहे हैं छठ घाट।
पहले के टाइम में जो होते थे लोग, वो लोग ना गीत गा करके जाते थे हमेशा से छठ घाट के पास, और ये लोग ना मैच की बात करते हुए जा रहे हैं। फाइनल एक आदमी मिल गया जो कि गीत गाते हुए जा रहे हैं। यार मम्मी मिली ना नहीं, पता नहीं किसने किया। इतनी गहराई से तुम मांग क्या रहे हो? ढेर भी से सब अभी का बेटा जाएगा। यहाँ पे जितनी सारे लड़कियाँ से बात की है ना, वो लोग फोटो खिंचाने के लिए आती है, छठ माता का व्रत करने के लिए बहुत कम आती है। बच्चा पैंट चल जाएगा, थोड़ा दूर पे छोड़ो, बच के छोड़ो, हाथ में फूट जाएगा बच्चे। अरे बच्चे सुनो, ए लो छोड़ो, पानी में बात कर। लेकिन अभी हम लोग फोड़ेंगे 3 नंबर में कम। अरे यार ये लोग फोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ जला लेगा यार ये लोग। इसलिए कह रहे हैं भाई आपका वीडियो को लाइक किए हैं। यार पिछली बार से यहाँ पे बहुत सारी भीड़ कम है, बहुत भीड़ कम। यहाँ पे आकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? आपके साथ आया तो अच्छा ही लगेगा यार। सूरज भगवान तो डूब चुके हैं, ये लोग जितनी भी महिलाएं हैं पता नहीं कितना रख दे रहे हैं। यहाँ पे आधा से अधिक लोग जो है ना भाई, फोटो खिंचाने में, बात करने में, दूसरे से जब किसी से गप्पे लड़ाना, वो सारे चीज कर रहे हैं। देखो एक नमूना आप लोगों को यहाँ पे दिख गया फोटो खिंचाते हुए, और एक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये चचा लग रहा है कि फेसबुक पर लाइव आए हुए हैं। ऐसे देखो भाई पूरा एकदम से दिखा रहे हैं। इधर से छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप चल रहा है पटाखे फोड़ने के लिए। इधर की महिलाएं अच्छी है जी, एकदम से पूरा एकदम ध्यान करके रखी हुई है छठी माता को लेकर के। यार उसको टॉयलेट लगाई कर रहा है अब। यार यहाँ पे तो छुट्टी हो गया, देखो सारे लोग जाने भी लगे। अरे क्या हाल है, ये देखो हमारे स्टूडेंट मिल गए इधर से, गले भी मिल लो। इसमें क्लासमेट एंड फ्रेंड। अच्छा हुआ कि ये लोगों ने बंद कर दिया ये, तो अभी चलने की बारी हो गई, चलो घर चलते हैं। चले चला जाए, अपना फर्ज निभा लिया ना आपने, ना दी हमको। अरे तुमको भी चाहिए, चाहिए था रास्ता से, हम आधा रास्ता तुम नहीं सू पे। यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है दुकान पे, देखो बम फोड़ रहा है यार। तुम लोगों तो गजब हाल है। अरे यार घर हिला दिया एकदम से। तो है गाइस वीडियो में बस इतना ही, तुम लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।